जिला हमीरपुर पुलिस ने दो पहिया वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हमीरपुर के गांधी चौक बाजार से अस्पताल तक जाने वाले मार्ग से ट्रैफिक पुलिस ने दो पहिया वाहनों के चालान करने आरंभ कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बाजार से होते हुए सुबह 9 से 9:30 के बीच नो एंट्री का बोर्ड होने पर ना कोई गाड़ी ऊपर जा सकती है और ना ही नीचे। अगर कोई व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है तो उसका चालान करके 2000 जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी ने बताया कि हमीरपुर के गांधी चौक बाजार से सुबह 9 से 9:30 के बीच नो एंट्री का बोर्ड होने पर ना कोई गाड़ी ऊपर जा सकती है और ना ही नीचे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके वाहन का चालान करके उससे 2000 जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के चालान किए जाएंगे उन्हें साथ में जागरूक भी किया जाएगा कि नो एंट्री का बोर्ड होने पर यहाँ से ना गुजरे। ये जो लोग सुबह जाते हैं 8 से 9:30 के बीच बन गए हैं टाइम की, ना इस टाइम ना कोई गाड़ी ऊपर जाएगी ना कोई नीचे आएगी। हर कोई इस बीच जाता है तो वो वाले सुनाव बन गए करता है, और जो भी जाता है तो उसका हम चलान करते हैं 2000 रुपये फाइन रखा हुआ। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मगर लोग जो है पालना जो कर नहीं रहे हैं। जो लोग मान जाते हैं वो ठीक है, जो नहीं मानते उनका चलान किया जा रहा है।